हेलो फ्रेंड, वेलकम टू आवर चैनल सीएस इंजीनियरिंग ज्ञान। आज के ट्यूटोरियल में हम लोग देखेंगे एक्सक्लूसिव नॉर गेट। एक्स नॉर गेट भी हम लोग इसको बोलते हैं और इसे बोला जाता है एक्स नॉर गेट। सिंपल हम लोग इसको ये भी बोल सकते हैं, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ एक्सोर प्लस नॉट गेट। एक्सोर और नॉट गेट का कॉम्बिनेशन भी आप इसे बोल सकते हैं। तो आपका एक्स नॉर गेट जो है वो कंबाइंड होता है आपका एक्सोर प्लस नॉट गेट, ये दोनों कंबाइन होकर आपका एक्स नॉर गेट डिजाइन होता है। सिंपल सर्किट डायग्राम की हम लोग बात करते हैं। इसके सर्किट डायग्राम की अगर हम बात करते हैं, तो आप अगर एक्स नॉर गेट के थ्रू इसे डिजाइन करेंगे तो आपका सिंपल टू इनपुट के लिए हम लोग देखते हैं। पहले टू इनपुट के लिए अगर आप देखेंगे तो क्या रहेगा आपका, सबसे पहले आपने एक्सोर गेट बनाना है, उसके बाद ये आपके इनपुट हो जाएंगे ए बी। इसके आगे आपने नॉट गेट एंटर करना है, यहां पर आउटपुट आता है आपका ए सर्किल के अंदर बी, और नॉट के थ्रू आपका आउटपुट आ जाएगा ए प्लस बी का बार, या इसे सिंपल बोला जाता है ए डॉट बी भी बोला जाता है। तो यानी कि अपोजिट होता है आपका एक्स और गेट का। तो इसमें जो एक्चुअल में आउटपुट आपका होता है वो वाई इक्वल टू आ जाएगा आपका ए बी प्लस ए बार बी बार। आप इस टाइप से भी इसको लिख सकते हैं, और ए बार बी बार इस टाइप से भी आप इसे डिनोट कर सकते हैं। सेम आपका थ्री अगर और एक्चुअल में जो इसका रिप्रेजेंटेशन आपका होगा, और ये आपका एक्सोर गेट है, यहां पर आप टॉगल साइन लगा देंगे और ये आपका एक्चुअल में ए बी, और वाई इक्वल टू हो जाएगा आपका ए डॉट बी, और वाई इक्वल टू ए बी प्लस ए बार बी बार, ये आपका आउटपुट इसमें जनरेट होगा। तो अब इसका हम लोग ट्रुथ टेबल की बात करते हैं। ट्रुथ टेबल की हम लोग अगर बात करें तो आपने सेम जैसे आपने एक्सोर गेट में बनाया था ए बी, ए बार आएगा फिर आपका, फिर बी बार, इसके बाद आपने ए बी निकालना है, ए बार बी बार एंटर करना है, और लास्ट आपका जो एक्चुअल आउटपुट आएगा वो आएगा ए बी प्लस ए बार बी बार। ये आपका आउटपुट है और ये आपका है इनपुट, इनपुट आप एंटर कर रहे हैं। सिंपल हम लोग इसको डिजाइन करते हैं। इसमें भी आपकी टोटल जो कंडीशन बनेगी वो आपकी क्या आउटपुट है आपका, ये इनपुट है, इनपुट में आपकी कंडीशन हो जाएगी 0101, क्योंकि हम टू इनपुट के लिए बना रहे हैं 0011। सबसे पहले आपका ए बार मतलब ए का अपोजिट, तो 0 है 1 आ जाएगा 100। बी बार मीन्स बी का अपोजिट, 0 है 1100110। अब ए बी, ए डॉट बी आपने निकालना है, तो 0.0 0 0.1 0 1.0 0 1.1 1 आ जाएगा आपका। नेक्स्ट आपने ए बार बी बार का डॉट प्रोडक्ट निकालना है, डॉट का मीनिंग है एंड करना है, तो 1.1 1 आ जाएगा आपका, 1 0 0 0 1 0 0 0 0। और लास्ट में एक्चुअल आउटपुट आपका आ जाएगा, इन दोनों को आप ऐड कर देंगे तो 1001, ये आपकी और हो जाएगा इसमें, तो आउटपुट आपका ये जनरेट हो जाएगा। तो सिंपल आपने इसमें कंडीशन याद रखनी है, इसमें आपकी कंडीशन होती है इफ बोथ इनपुट इज सेम, अगर आपके दोनों इनपुट सेम होंगे तभी आउटपुट आपका हाई आएगा, अदरवाइज आपका आउटपुट लो रहेगा। लो है, ये भी लो है, ये भी आपका हाई है। तो देखिए आपके दोनों इनपुट आपके सेम है तो आउटपुट हाई है, यहां भी सेम है तो आउटपुट हाई है, यहां पर आपके डिफरेंट है तो उस कंडीशन में आपका आउटपुट लो आ रहा है। और अगर आप सिंपल एक्सोर गेट की बात करते हैं, एक्सोर गेट में इसका अपोजिट था आपका, अगर दोनों इनपुट आपके क्या होते हैं डिफरेंट होते हैं तभी आउटपुट आपका हाई आता है, अदरवाइज आपका आउटपुट लो रहेगा। ये आपके एक्सोर गेट की कंडीशन है। नॉर गेट में उसका अपोजिट होता है, जब दोनों इनपुट हाई होंगे सॉरी सेम होंगे तभी आउटपुट आपका हाई आएगा, अदरवाइज आपका आउटपुट लो रहेगा। तो ये था आपका एक्सक्लूसिव ऑर गेट। थैंक यू फ्रेंड।